डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपको हम बताएं, हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपको हम बताएं, हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हमारा घटना ना हो। और हम बिहारी होने के नाते कहते हैं कि बिहारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपको हम बताएं, हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हमारा बैकग्राउंड आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से बहुत लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बिहार का लोग आगे जाता है तो। वो हम नहीं कहते, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब हम लोगों का यही मांग है, इन्होंने समय लेना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, COVID-19 का जो भी जिक्र किया उसकी वजह से नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक, ही इज नॉट जस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, ही इज द लीडर ऑफ द बिहार। और जब कोई बिहार का आइकॉन, देश का आइकॉन मैं कहता हूँ सुशांत सिंह थे, अगर कोई आइकॉन, इतना बड़ा नाम, इतना स्ट्रगल करके अगर इस तरह की घटना हुई है उसके साथ, तो बिहार का नेता को, बिहार के मुख्यमंत्री को कम से कम संवेदना और प्रकाश उनके परिजनों से मिलकर के और उनका सहारा बनना चाहिए था। अभी भी हमने आपको देखा होगा कि हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। एक तो हमारा मांग है कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उच्च स्तरीय CBI जांच हो, एक वे है। दूसरा हमारा जो मांग है, जो चिट्ठी हम लोगों ने लिखी है, कि राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रहा है, क्योंकि उनका जिस प्रकार से स्ट्रगल करके एक छोटे से शहर का होकर के एक अपना मुकाम, हर एक पायदान पे जाना, सफल होना, तो हमको लगता है कि उनके याद में जो फिल्म सिटी राजगीर में बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे नामकरण किया जाए। और दिलई इच्छा हमारी ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों से जाकर के मिले और ये आश्वासन दे कि हर जांच में हर संभव मदद जो है वो करेंगे, वो महाराष्ट्र सरकार से भी बात करेंगे कि इसका CBI जांच का रिकमेंडेशन दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी आश्वासन उनके परिवार को दे कि जो राजगीर में फिल्म सिटी जो बन रहा है उसका नामकरण सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे किया जाए।